भगवान शिव की अमोघ शक्तियों का केंद्र है त्रिशूल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एकमात्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है जहां त्रिशूल की जगह पंचशूल भगवान शिव का अस्त्र है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। शिव के त्रिशूल को विश्व का सबसे बड़ा संहारक अस्त्र भी माना जाता है। मान्यता है कि प्रलय की बेला में शिव हाथों में त्रिशूल लिए ही तांडव नृत्य करते हैं। बता दें कि वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ शक्ति पीठ भी है। यहाँ माता पार्वती का हृदय गिरा था, यही कारण है कि शिव और माँ पार्वती के एक साथ यहाँ विराजने से ये पुण्य भूमि रचना शक्ति का प्रवाह करती है और पंचशूल इसी रचना शक्ति का प्रतीक है। संहार नहीं, रचना का प्रतीक है पंचशूल। त्रिशूल को जहाँ शिव की संहारक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है, वहीं बाबा वैद्यनाथ धाम में स्थापित पंचशूल सृष्टि की रचनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। माना जाता है कि पंचशूल पंच महाभूतों का प्रतीक है जिसमें पंच तत्व शामिल हैं। पंचशूल की स्थापना वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को एक अलग पहचान देती है, पुण्य फलदायी है पंचशूल का दर्शन। मान्यता है कि यहां आने वाला श्रद्धालु अगर बाबा के दर्शन किसी कारणवश ना कर पाए तो मात्र पंचशूल के दर्शन से ही उसे समस्त पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। पंचशूल की खासियत यह भी है कि यह सिर्फ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और पास में स्थित शक्तिपीठ के शीर्ष पर स्थापित है।